सागरी का घोष इज दिस हैव यू कम टू दिस हाउस सागरी का घोष फॉर दिस पर्पस। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज़, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। लगातार सदन के अंदर हंगामा देखने को मिल रहा है और ओम बिरला हो चाहे अब राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ जी। बता दें आपको, जगदीप धनखड़ ने भी विपक्ष के नेताओं को डांटा डपटा है और ये इसलिए हुआ है क्योंकि विपक्ष के नेताओं ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है दिखाने के लिए कि हम तो इसी मकसद से यहाँ आए हैं। नीट यूजीसी की परीक्षा को लेकर पूरी टीएमसी सदन में वेल के अंदर आ गई दर्शकों। उसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने टीएमसी लीडर और कांग्रेसी पत्रकार राजीव सरसाई की पत्नी सागरिका घोष को डांट डपट की है और कहा, मिस सागरिका घोष, आई एम टेकिंग योर नेम, क्या आप इसी मकसद से यहां आई हैं। और देखिए, यहां पर ओम बिरला ने भी बीते दिन दीपेंद्र हुड्डा को यह फटकारा था कि आपत्ति किससे नहीं, तुम मत बढ़ाओ, चुपचाप बैठो, चलो बैठो। तो देखिए, यहां पर इसी वजह से दोनों अध्यक्षों को यह फैसला लेना पड़ रहा है कि देखिए, विपक्ष के द्वारा जबरदस्त हो हंगामा है और विपक्ष इस बार संख्या बल मजबूत लेकर आया है। बार बार जनता को यह याद दिलाने की कोशिश, बार बार एनडीए सरकार को यह याद दिलाने की कोशिश की, जरा संभल कर रहिए, हम बहुत ज्यादा संख्या में इस बार आए हुए हैं। Those of the members who are present in the well, I will be constrained to name the members. Who are present here. Sagarika Ghosh. Is this, have you come to this house, Sagarika Ghosh, for this purpose? अब देखिए, यहाँ पर छोटी से छोटी बातों को लेकर विवाद पैदा किया जा रहा है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, जगदीप धनखड़ ने साफ कह दिया कि डेरेक ओब्रायन निर्देशक हैं, यू आर द डायरेक्टर ऑफ दिस न्यूसेंस, ये कहा है जगदीप धनखड़ जी ने। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, साकेत गोखले का भी नाम लेते हुए उन्होंने कहा, आप अपने लिए खुद परेशानी पैदा कर रहे हैं, यू आर क्रिएटिंग न्यूसेंस फॉर योर सेल्फ ओनली, ये भी कहा जगदीप धनखड़ जी ने। एक और बड़ी खबर से रूबरू कराती हूं, कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा लगातार फटकार लग रही है टीएमसी को और केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर। 26 जून तक ये अवधि बढ़ा दी गई थी बीते दिन ही, और देखिए आज 28 जून है। और बता दें आपको, राज्य में यहाँ इतनी शिकायत मिली, कैसे वहां पर लोग घरों को छोड़कर जा रहे हैं, बीजेपी नेताओं को परेशान किया जा रहा है। इसी पर अमित मालवीय, बता दें आपको, पश्चिम बंगाल पर पैनी नजर रखते हैं और पश्चिम बंगाल को करीब से देखते भी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, बीजेपी आईटी सेल प्रमुख है, कह रहे हैं पश्चिम बंगाल के प्रभारी अमित मालवीय जी कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा चुनाव के बाद कानून और व्यवस्था का प्रबंधन करने में विफल रहने के बाद केंद्र सरकार के विवेक पर सीएपीएफ की तैनाती पर निर्णय लिया गया है, ये ममता बनर्जी के लिए बेहद अपमानजनक है। जो बंगाल की गृह मंत्री भी हैं, वो एक बहुत बड़ी आपदा है। किसको बताया आपदा? ममता बनर्जी को। क्यों बताया? पहले 21 जून तक केंद्रीय बलों की तैनाती के लिए ये नंबर्स दिए गए थे हाईकोर्ट के द्वारा कि 21 जून तक आप जो है वो केंद्रीय बलों की तैनाती रखें राज्य के अंदर। ममता सरकार दर्शकों पूरी की पूरी फेल हो रही हैं और यही वजह है कि बीजेपी आईटी सेल प्रमुख और पश्चिम बंगाल के प्रभारी अमित मालवीय कह रहे हैं कि आप एक आपदा हैं। आपको याद होगा, राज्यपाल तक सुरक्षित नहीं है और इसके साथ बातचीत करें तो राज्यपाल सुरक्षित है नहीं। राज्यपाल ने भी कहा था कि हम जो है राजभवन के अंदर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, तुरंत यहां से पुलिस बल आप खाली करें परिसर, मुझे ऐसी खबरें आ रही हैं, मैं सुरक्षित नहीं हूं। पश्चिम बंगाल में क्या कोई सुरक्षित नहीं है? जब राज्यपाल जी सुरक्षित नहीं है तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के में बीजेपी के छोटे मोटे कार्यकर्ता नेता कैसे सुरक्षित हो जाएंगे? आप देखिए, पश्चिम बंगाल की स्थिति बिल्कुल उलट होती जा रही है। पश्चिम बंगाल में ये क्या हो रहा है? पश्चिम बंगाल में साफ तौर पर जजों की बेंच ने दर्शकों कहा, और बता दें आपको, यहां पर लगातार ये ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा जा रहा है, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ तौर पर निर्देश दिया
कि विस्थापित लोगों को सुरक्षित घर लौटाया जाए। बंगाल हाईकोर्ट ने तगड़ी फटकार लगाई है झड़पों के बाद, और आपने देखा होगा बीजेपी कार्यकर्ता शेल्टर लेने को मजबूर हो गए थे कहीं भी, और डर कर भाग रहे थे, कह रहे थे चुनाव के बाद टीएमसी के गुंडे परेशान कर रहे हैं। और उसी को लेकर शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीएपीएफ को तैनात करने के निर्देश आगे बढ़ा दिए गए थे, और इसी क्रम में अब 26 जून तक की अवधि भी बढ़ा दी गई थी। तो देखिए, दो दिन पहले तक राज्य में सीएपीएफ के जवानों को सुरक्षित रखा गया तैनाती कर ताकि आप राज्य के लोगों की सुरक्षा कर सकें। अब मैं आपको बता दूं, जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने यह बात सुनाई है, यह फैसला सुनाया है कि हम इसके पहले भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, और उसके बाद हमने यह अवधि को एक बार फिर से बढ़ाने की कोशिश की है, क्योंकि राज्य सरकार सुरक्षित करे अपने विस्थापित लोगों को, यानी ममता बनर्जी के शह पर ही ये सब होता है, गुंडागर्दी पश्चिम बंगाल के अंदर। ये नई बात तो है नहीं, पुरानी बात है, और ये कितने दशकों से चला आ रहा है। ममता बनर्जी इकलौती मुख्यमंत्री है जो महिला मुख्यमंत्री है पूरे भारत में, और महिला मुख्यमंत्री के राज्य में सबसे ज्यादा दहशत, सबसे ज्यादा गुंडागर्दी। तो आप समझ जाइए कि महिला मुख्यमंत्री है कि पता नहीं सारे मुख्यमंत्रियों को उन्होंने फेल कर दिया, शासन व्यवस्था इतनी अच्छी संभाल रही है पश्चिम बंगाल में। देखिए, ममता बनर्जी कहती है बीजेपी परेशान करती है, लेकिन बीजेपी वो पार्टी है, उसने कसम खाई है, जब तक हम राज्य की स्थिति ठीक ना कर लें, हम भले कम सीटों में आए हैं, इस बार तो देखिए बीजेपी की और सीटें घट गई, पिछले बार कहाँ 18 आई थी, इस बार 12 तक बीजेपी जा अटकी, बहुत खराब प्रदर्शन हुआ है पश्चिम बंगाल में। लेकिन ये सब हुआ है पश्चिम बंगाल में जो अराजकता है उसको बढ़ावा देने के लिए, बीजेपी को लोगों ने वोट नहीं दिया। आप होता है ना कि एक बार गलत संगति मिल जाने के बाद इंसान सुधर नहीं पाता, तो वही हो रहा है, और जनता भी देखिए त्रस्त है, कह रही है कि कहां से हमें वोट देने के लिए निकलने के लिए डर लगता है, बीजेपी के वोटर्स कहते हैं ये सब तमाम बातें। और देखिए दर्शकों, एक तरफ राज्यसभा चलिए, राज्यसभा में सागरिका घोष को जमकर फटकार, राजदीप सरदेसाई की पत्नी है, बड़ी लीडर है टीएमसी की, और सागरिका घोष और जगदीप धनखड़ ने भी ये कसम खा ली है कि इस बार विपक्ष का झूठा हंगामा बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओम बिरला जी आए चुनकर, और आप देखिए कल से ही ये गहमा गहमी बनाई जा रही थी कि ओम बिरला को बना दिया गया, और हालांकि ध्वनि मत से ही हो गए, चुनाव नहीं हुआ, इसका मतलब विपक्ष को पता था कि कुछ नहीं होने वाला है हमारे हंगामे से। और देखिए इसी बीच आपको बता दें, जगदीप धनखड़ ने भी पूरी कमर कस ली है, उनको पता उनको टारगेट किया जाएगा, लेकिन उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, लोग आपको टारगेट करेंगे, लेकिन आपको अपना काम करना है, तो आप काम करते। देखिए अभी बीते दिन, कल की बात है, ये सागरिका घोष को डांट लगाई और डेरेक ओब्रायन को बताया आप निर्देशक हैं। सोचिए कितने पुराने नेता हैं, सांसद हैं, और डेरेक ओब्रायन ये करते नजर आते हैं, भड़काने की कोशिश करते हैं, और चार लोग मिलकर केजरीवाल को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये तमाम बातें देखिए अब होगी, सदन में काम कम होगा, कार्रवाई ठप ज्यादा होगी। जगदीप धनखड़ ने 12 बजे तक सदन स्थगित कर दिया था, वेल में आ गए टीएमसी लीडर्स, नीट को लेकर केंद्र सरकार की पूरी तैयारी है, केंद्र सरकार की तरफ से प्रपोजल आ गया है कि भैया हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। अब देखिए क्या होता है, अब देखने वाली बात होगी, ओम बिरला और जगदीप धनखड़ कैसे संभालते हैं विपक्षी नेताओं को। पक्ष के नेता को संभालना मैं इसलिए नहीं इसमें ऐड कर रही हूं क्योंकि अभी उधर तरफ से कोई ऐसी बातें नहीं हुई है कि वेल में आ गए, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ है। विपक्ष है तो विपक्ष अपनी आवाज को तो और बुलंद करेगा ही। अब देखने वाली बात होगी, नंबर्स ज्यादा हैं इस बार, कितनी ज्यादा दिक्कतें सदन में दोनों अध्यक्षों को आती हैं। आपकी जो भी राय उस बाबत जरूर कमेंट कीजिए। शुक्रिया।